कोरोना का आंकड़ा हर दिन हर रोज डरा रहा है। हर रोज ये वायरस नया आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसे लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लोग हैरान हैं, परेशान हैं। ये वायरस क्या है, कैसे हमारे शरीर पर यह हमला करता है और कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इस वायरस पर असरदायक है इससे लड़ने में, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना और ये खास रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं हम। चलिए एक एक करके हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये वायरस होता कैसा है। कोरोना वायरस को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से कोरोना फैलता है। कोरोना वायरस के दो हिस्से होते हैं। बाहर के हिस्से में एक नुकीला भाग होता है और इसे ही कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और यही होता है सबसे ज्यादा घातक। इसके अंदर एक गुच्छे की तरह हिस्सा होता है और इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। स्पाइक प्रोटीन शरीर में घुसने में वायरस की मदद करता है और जेनेटिक मटेरियल शरीर में जेनरेशन बढ़ाता है और इसी वजह से इसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये शरीर पर हमला कैसे करते हैं। स्पाइक प्रोटीन सिर्फ फेफड़ों को ही टच कर सकता है, बॉडी के सेल्स में ये एंट्री नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है। कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन फेफड़े के रिसेप्टर पर चिपक जाता है और इसी के माध्यम से शरीर के अंदर चला जाता है। ये फेफड़े पर ही अटैक करता है क्योंकि फेफड़े के सेल्स काफी संवेदनशील होते हैं। फेफड़े का रिसेप्टर कोरोना वायरस को अंदर लेकर चला जाता है और यही होता है सबसे घातक। फिर वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर जाकर डीएनए से मैच करने लगता है। हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण करने का काम करते हैं राइबोसोम। कोरोना वायरस इसी के माध्यम से हजारों की संख्या में, समझिए हजारों की संख्या होती है इनकी, और ये हजारों की संख्या में अंदर पैदा होने लगता है, बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह, और फेफड़े के अंदर वायरस की संख्या बढ़ने लगती है। इस तरह पूरे फेफड़े में कोरोना वायरस घूमने लगता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इससे फाइट करता है कि ये कौन सा नया मेंबर शरीर के अंदर आ गया है जो शरीर को हार्म पहुंचा सकता है। इसके बाद हमें थोड़ा फीवर आता है ताकि बुखार से छोटे मोटे जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडी बनाता है, देखता है कि ये इस तरीके से तो कोरोना वायरस का अंत नहीं हो रहा है, तो हमारे शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाता है। इसके बाद ये स्पाइक प्रोटीन हमारे फेफड़े के रिसेप्टर से नहीं चिपक पाता। बस इसी तरह कोरोना सही हो जाता है, समझ रहे हैं आप। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, एंटीबॉडी क्या करती है, वो स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाती है। जी हाँ, अगर स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाती है तो जाहिर सी बात है कि स्पाइक प्रोटीन का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद ये स्पाइक प्रोटीन हमारे फेफड़े के रिसेप्टर से नहीं चिपक पाता। बस इसी तरह कोरोना सही हो जाता है, इसलिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। जिसमें एंटीबॉडी नहीं बन पाती उनकी जान चली जाती है। आइए आपको बताते हैं कि वैक्सीन अब कैसे कोरोना का इलाज है, क्यों वैक्सीनेशन को जरूरी कहा जा रहा है, वैक्सीन से कोरोना कैसे हारेगा। वैक्सीन एंटीबॉडी बनाएगा शरीर में ताकि ये कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर जाकर सट जाए, चिपक जाए, ताकि कोरोना हमारे शरीर के रिसेप्टर से अंदर ना जा सके। जब कोरोना अंदर जाएगा ही नहीं तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, और यही काम होता है वैक्सीन का। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल आखिरकार थी क्या, क्यों इसके वैक्सीनेशन के लिए, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई थी और मुश्किल क्या आ रही थी। बड़ी मुश्किल थी वायरस के अंदर मौजूद ये गुच्छा, यानी जेनेटिक मटेरियल। रिसर्च में सामने आया कि ये आरएनए है। जैसे कि हमारे शरीर में डीएनए होता है, वैसे ही कोरोना वायरस के अंदर जो ये गुच्छा है वो आरएनए है। ज्यादातर वायरस आरएनए होते हैं और इसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए वायरस जल्दी जल्दी बनने लगते हैं और शरीर पर ये अटैक करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी की तोड़ निकाली।
इसलिए वैक्सीन को आरएनए वैक्सीन कहा जाता है। आसान शब्दों में आपको बताते हैं, वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के आरएनए जैसा ही एक आरएनए तैयार किया और वैक्सीन में इस्तेमाल किया और इसे हमारे शरीर के अंदर कोरोना वैक्सीन के तौर पर इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही वैक्सीन लगी, हमारे शरीर में लैब में बनाया गया एक तरह का कोरोना वायरस पहुंच गया, जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल कोरोना वायरस की तरह है। जैसे ही हमारे शरीर में पहुंचता है, एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। दवाओं में एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए केमिकल मिलाया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस को बॉडी में घुसने नहीं देता और वैक्सीन इसी तरह काम करती है। दुनिया में कई तरह की वैक्सीन है और बहुत सारे सवाल हैं कि इन वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है, इसका जवाब भी हम आपको दे दें। सबसे पहले फाइजर की बात करते हैं। फाइजर, इसे अमेरिका ने बनाया और इसे -70 डिग्री के तापमान पर रखना होता है, जो कि हमारे देश में, भारत में, बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा देखे गए हैं। अब बात करते हैं यूएनओ ने जो वैक्सीन गरीब देशों के लिए बनाई है उसकी, जिसका नाम है नोवा वैक्सीन। नोवा वैक्सीन को बनाने में भारत ने भी अपना योगदान दिया है। अगली वैक्सीन का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने जो मिलकर बनाई है, उसे भारत में नाम दिया गया है कोविशील्ड। जी हाँ, ये वैक्सीन भारत में नहीं बनी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। इसका प्रोडक्शन भारत के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है और जिसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। अब बात कर लेते हैं कोविशील्ड की। ये सारी वैक्सीन आरएनए वैक्सीन है और ये सारी वैक्सीन इसी तरह से काम करती है, लेकिन भारत की वैक्सीन ऐसे काम नहीं करती। भारत की वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है और इसका नाम है कोवैक्सीन। इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल जुदा है। कोवैक्सीन को कुछ इस तरह हम समझाते हैं आपको कि कोरोना वायरस को ही ये कमजोर करके हमारे शरीर में डाल देते हैं। इसे लगाने के बाद हमारे शरीर की एंटीबॉडी इससे कमजोर हो चुके वायरस पर अटैक करती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार सा महसूस होता है। वैक्सीनेशन के बाद अगर कोरोना वायरस अटैक करता है तो यही एंटीबॉडी उसे रोकने में मदद करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर का क्या काम है, सैनिटाइजर कैसे काम करता है। दरअसल सैनिटाइजर कोरोना वायरस के बाहरी लेयर को ही पूरी तरह खत्म कर देता है, फाड़ देता है, इसलिए कोरोना वायरस वहीं का वहीं नष्ट हो जाता है। दुनिया के सारे वैक्सीन, नोवा वैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक, मॉडर्मा, एस्ट्राजेनेका, सब आरएनए वैक्सीन है, जबकि भारत का वैक्सीन, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन ओरिजिनल वायरस का ही वैक्सीन है। तो अब सवाल उठता है कि सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है। जवाब है कि ये सारी वैक्सीन बेहद अच्छी है। जी हाँ, किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। कोई अगर भड़काए तो बिल्कुल भड़किए मत, और कोई अगर अफवाह फैलाता है तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये सारी वैक्सीन जो है बहुत ही अच्छी वैक्सीन है और ये कोरोना वायरस पर इफेक्टिव है। डिपेंड करता है कि कहाँ किसको ट्राई किया गया है। किसी को अमेरिका में, किसी को यूरोप में, तो किसी को कहीं और ट्राई किया गया है, लेकिन सब एक जैसे हैं और सभी वैक्सीन 60 से लेकर 90% तक कारगर है। ये बात आप अपने दिमाग में पूरी तरह फिट कर लीजिए कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। अब सवाल ये है कि जिसे वैक्सीन लग गई है क्या उसे कोरोना नहीं होगा। इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, हर कोई पूछ रहा है। वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आपको कोरोना होता है तो आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे, ये है इस सवाल का जवाब। मौत नहीं होगी आपकी कोरोना वायरस से। वैक्सीन का सबसे बड़ा फायदा यही है। कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगाई जाएगी और इनके बीच में 28 से 42 दिन का गैप रखा जाएगा। 99% लोगों को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। 99% लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट उन पर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, सिर दर्द की भी थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, इसलिए अफवाहों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इसराइल की, जिसने बच्चों को छोड़कर अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा दी है और अब भारत में भी 1 मई से सबको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, यानी 18 साल से ऊपर हर कोई शख्स जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है। तो इससे डरने की आपको कतई जरूरत नहीं है, तो आप भी जागरूक होइए।
आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें जागरूक कीजिए और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे ये शरीर पर अटैक करता है और कैसे कोरोना वैक्सीन इससे लड़ाई में कारगर है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना से बच कर रहें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।